Thank all the people who love me and support me from the Philippines, all over the India, all over the world. And people who hate us, Tang Anamo! Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so if you let me in, yeah. Welcome to Philippines, guys. जिपनी तो मेरी फेवरेट है. फिलीपींस में आओगे ना तो जिपनी जरूर ट्राई करना. कोई कुछ भी बोले कि मतलब पॉल्यूशन वगैरह ये वो, इसमें ट्रैवल करने का कुछ अलग ही मज़ा आता है. लोकल लोग के साथ उसमें ट्रैवल करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है. मेरे बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जो ट्रैवल किए थे, और रिसेंटली बहुत सारे सब्सक्राइबर के मेरे को मैसेज भी आए थे फूड के रिगार्डिंग. मैं आपको बताऊँगा क्या क्या फूड खाना चाहिए जो आपको अच्छा लगे यहाँ पर. नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल. राइट ना हम लोग हैं मनीला एयरपोर्ट पे और हमारा इमिग्रेशन हो गया है. USD लेके आना, और USD ना हमेशा ना मतलब होएगा ना कितना 20-30 USD करोगे तो 1500 मिल जाएंगे, 1500 पैसों. वो यूज़ करके आप टैक्सी पकड़ के सिटी में जा सकते हो, फिर वेस्टर्न यूनियन से मनी एक्सचेंज कर सकते हो. अगर आप रात को 2-3 बजे पहुँच रहे हो तो वेस्टर्न यूनियन नहीं चालू होगा. ऐसे टाइम पे आप क्या कर सकते हो, $50 कन्वर्ट कर सकते हो, ज़्यादा लॉस नहीं होगा. BDO मनीला में मतलब ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं है, मैंने देखा है 1 पैसों से नीचे ही है. नहीं तो हमारे यहाँ पर कैसा है ना, मुंबई एयरपोर्ट पर देखोगे ना तुम ना, अभी USD का रेट कितना है, 70 है ना, वो लोग सीधा 78 रुपीज़ चार्ज कर रहे. तो 8 रुपये बहुत ज़्यादा होता है. 8 आना है 10-20 पैसा यहाँ पे, तो ज़्यादा नहीं है डिफरेंस. क्योंकि मोस्टली फिलिपिनोज कमा के आते हैं बाहर से, तो वो कन्वर्ट करते हैं USD पे, तो उनको मालूम है कि ज़्यादा रेट चार्ज करेंगे तो ये लोग एक्सचेंज ही नहीं करेंगे. तो वो रीज़न की वजह से आप वो कर सकते हो, सिम कार्ड ग्लोब का ख़रीद लीजिए, सिम कार्ड नॉर्मली. और फिर अपने अगर आप कभी बाई चांस टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 में उतरे हो और टर्मिनल चेंज करके जाना है, तो यहाँ से बस है वो 20 पैसों लेती है. वो आपको टर्मिनल 1, 2, 2 छोड़ देगी, 2 to 3 छोड़ देगी. लोकल टैक्सी वाले के पास जाओगे तो 500 पैसों लेगा, 1000 पैसों लेगा, वो ध्यान देना आप. और बहुत खुश हूँ, आई लव फिलीपींस एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट बींग हियर. एंड आई पीपल हु आर वॉचिंग फ्रॉम द फिलीपींस, लव यू, सलामत हो फॉर योर नेचर. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. तो मैं आपको बाथरूम भी दिखा देता हूँ. एक छोटा सा बाथरूम है नहाने हीने के लिए. तो मतलब कभी किसी को इमरजेंसी रहेगी ना कि मतलब होटल वेटल सस्ते में बुक करना है, ये कैसे स्टार्ट होता है मैं बताता हूँ आपको. ये 2 घंटे के लिए मिलता है, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए. तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट है, आपको 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 12 घंटा जितने घंटे के लिए चाहिए आप ले सकते हो. तो आप सोच रहे होंगे 2 घंटे के लिए क्यों मिलता है. समझदार को इशारा काफ़ी है कि मतलब 2 घंटे के लिए भी मिलता है, क्योंकि हमारे मुंबई में भी आपने देखा रहेगा कि मतलब बहुत सारे होटल्स हैं जो मतलब आप जाते हो तो 2-4 घंटे के लिए मिलते हैं. तो क्यों मिलते हैं आपको भी पता है, तो वैसे ही ये भी होटल मगर ऐसा ज़रूरी नहीं है वही चीज़ के लिए. मगर मोस्टली ये कैसा शॉर्ट टर्म के लिए, तो आपको ज़्यादा पैसे एक्सपेंड नहीं करना है और रेस्ट करना है तो आप आ सकते हो. और मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आप अपने किसी के साथ रुके हो तो आप आओ रुको यहाँ पे, नहीं. मगर आप अकेले हो और कभी आप थोड़ा ब्रेक ले रहे हो, मतलब ना आपके पास 4-5 घंटे बच गए, आपको पूरे दिन के पैसे पे नहीं करने हैं, तो आप आ सकते हो यहाँ पे.
गुड इवनिंग गाइस, राइट नाउ वी आर इन ग्रैब एंड वी आर गोइंग फ्रॉम पताया टू माकासी एंड एंड्रो इज गोइंग टू ड्रॉप अस. थैंक यू एंड्रो. एंड राइट नाउ वी आर इन मनीला. What are you gonna say? What do you think about India? Second biggest country in terms of population. Okay, and what else comes in your mind? Indians are hot. Indians are where? Indians are hot. Hot? Hot, yeah. Hot in what sense? Like? Hot in temperature. Okay. And hot in bed. Hot in bed. That's a good because compliment. Because of Indian eat spices. Yeah, we like onion, garlic. Hot spices, which is aphrodisiac. Yeah, that's good. That's why Indian are hot. Yeah, that's good for the sexual, like we say it, na. Onion, garlic, yeah. That is good for the sexual chili. Increment. Chili. Yeah, chili sauce. But not all Indians eat that spicy. But compared to other part, we eat it. But that's a good compliment also. Thank you so much for that. That's why second largest in population. Yeah, this is the best example. They are hot, that's why they are like a second in number population. So that means Chinese are number one in hot. Because it's also biggest in terms of, you know, because India has big area. Yeah, Chinese have bigger area than us. Yeah, second to China. Because they are covering all the parts, that's why. You know that how are the Chinese? They are trying to get in India also, and they are trying to cover the sea of Philippines also. Really? Yeah. Some part of Indian soil? Yeah, they are trying to get it inside. Oh this is our. The same way that they do for the sea of Philippines. This sometimes so they have issues. It means that Chinese are land grabber. Yeah. they like. I hate them. What? I hate Chinese. Yeah, same here. We also hate it. Really? Yeah. We like Chinese is like they play mind games and everything strategically. Export countries like China only, and India is growing very faster, and they don't want that. Really? There is a lot of things that's playing a very important role in that. Yeah. And some words of Filipinos came from India. Like example? Like mahal. Mahal. What do you mean in mahal in India? Oh, it's India. Like a. Huh? What do you mean mahal in India? Mahal means it's like palace. House, bungalow. Yeah, palace. And mahal here means love you, mahal kita. Yeah, that's right. Yeah. And some words like. I forgot those words. But some words are in like. Because Filipinos are also. Influenced by Indian people. Okay. Filipinos are composed of many nationalities. Okay. Like American, British, Japanese, Indian, Indonesian, Malaysian. That's a lot. And that's why I love Philippines. The people are so friendly, and it's like it's always fun in Philippines. Yeah. Yeah. And it's more tourists come here. The more tourists. The more income for the Filipino people. Yeah, that's a good thing for them. Yeah. And it's so beautiful and it deserve it. Really? Yeah. You have more than 7,000 islands. Yeah, more than 7,100 islands. That's a natural beauty here. Yeah. And that's the natural beauty, and the other beauties are also there. You already came here 6 times? Yeah, 6 times I came here. But that time I was not doing the vlog. Really? I have done the vlog one time only, and I have only shown the audience about the Manila, and no other Indian travel blogger has shown has about the Philippines. And Indian tourists come very less in Philippines, I have seen that. So you encourage your countrymen? Yeah, I am encouraging them to come to Philippines and explore it. It's so beautiful country with the lovely people here, and you're gonna love it. If they visit one time, I'm sure that they're gonna come again. Thank you, Andrew, for your time and all the details you have told me about it. Thank you also for coming here. Salamat po. Salamat. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting.
There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me. Like chasing ghosts, I know you're out there. नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। राइट नाउ ना मतलब मैं अभी यहीं पे बैठा था और ये बात कर रहे थे आपस में हिंदी में, तो मैंने पीछे से पूछा कि कहाँ से हो, तभी उन्होंने बोला अरे मराठी कहते क्या, हाँ ये थे ना वाला पर जय महाराष्ट्र जय इंडिया। अरे मतलब ये बात मतलब ये बहुत खुश थे कि मतलब आज हमारे लिए गुड न्यूज भी है कि हमारे पाकिस्तान से अभिनंदन जी वापस आ गए, तो उसके लिए बहुत एक्साइटेड थे। और तुम्हाला काय सांगायचं आहे मराठी मध्ये आपल्या ऑडियन्सला? भाऊ सगळ्यांनी फिलिपिन्स मध्ये या, मस्त देश आहे, कूल देश आहे, नक्की या। मी 10 वर्षापासून मी इन्फोसिस मध्ये काम करतो, त्यामुळे मला कामासाठी येतो की मला तुम्ही 10 वर्ष येते का? 5 वर्ष इकडे राहतोय, मी जाऊन येऊन करतो। खूप लोकांना वाटते ना भीती वाटते फिलिपिन्सला यायला, तुम्हाला काय सांगायचं? इथं मी एवढं नक्की म्हणेन की इंडियातले लोक थायलंडला खूप फिरायला जातात, थायलंड याच्यापेक्षा फिलिपिन्सला या फार फार बेटर देश आहे, स्वस्त आणि मस्त। अभी मैं हिंदी में बता देता जो ऑडियंस है, मैं भी यही बोल रहा हूँ लोगों, इसलिए मैं फिलिपींस का ट्रैवल ब्लॉग क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत लोग इंडिया का ट्रैवल ब्लॉग है ही नहीं कोई भी, कोई फिलिपींस का नहीं है, इसके लिए मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब आप जाते हो वहाँ पे तो फिलिपींस आकर देखो, बहुत मजा आएगा। कहीं भी कोई भी कंट्री से कंपेयर नहीं कर सकते, मगर वो भी एक है ना, एंड दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल एंड दे लव इंडियंस बाय द वे। थ्री इडियट्स हम इंडियंस ने जितना नहीं देखा होगा, इधर हर फैमिली ने देखा। बाहुबली, बाहुबली थ्री इडियट्स I think 70% of and any movie of any movie of Amir Khan Indian में तो पहले बोलेंगे 3 days देखा है, और जिसने नहीं देखा रहेगा तो उसके लिए तो झापा लगेगा, तुमने नहीं देखा इंडिया absolutely, तो अच्छा लगा आपसे मिलके, pleasure यार, मतलब इनको भी मराठी में बात करके हिंदी में बात करके मेरे को भी अच्छा लगा कि बहुत इनको मिलता अपना कनेक्शन होता है ना, कि कंट्री में जा रहे हो मतलब हमारे लोकल लैंग्वेज में पार्टी, व्हाट आर यू डूइंग हियर, वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ पार्टी, आई जस्ट केम टुडे सो आई विल टेक अ लिटिल बिट रेस्ट, मैं पार्टी का देयर इज नो रेस्ट टाइम इन मनीला, इफ यू आर इन मनीला यू आर सलामकुम सत श्रीकाल। राइट नाउ हम लोग हैं मनीला में, मेरा दिल गया Otherwise there will be a copyright. So I want to say that all the audience that it's Friday night and we are doing party on the street here. Party! And we met in a last trip like Niji and Habib. This is like my family here. Yeah. I always come here to meet them. Brotherhood. How to say in Philippines, like let's start a party. Let's start a party. Inumana! Inumana! Cheers for that. Kampai! Benji, where's the Benji? Benji! Yeah! Yes! Benji, the famous one. The famous guy in the street like a Benji. Now play the song. Now it's like an Indian song. Yeah. They are playing a song. पार्टी करने का आता है ना, मिल गया। जो मजा यहाँ पे पार्टी करने का आता है ना, वो आप 5-star होटल में जाओ, क्लब में जाओ, मजा नहीं आएगा। फ्राइडे नाइट है तो भी हम लोग यहाँ बैठे, क्योंकि मुझे मजा आ रहा था ना, क्योंकि मैंने मतलब ना देखा सब क्लबिंग वगैरह जा जाके थक गया हूँ मैं भी, कि मतलब ना कभी कभी ना तुमको ना ऐसी पार्टी भी करना चाहिए अपने मतलब जो फ्रेंड्स के साथ रहेंगे। आई एम सेइंग दैट ना ऑलवेज डूइंग अ पार्टी इन अ क्लब इज नॉट लाइक अ कूल थिंग, व्हेन यू मीट योर फैमिली मेंबर्स ना इट्स लाइक अ मोर ऑसम टाइम। यो एंड actor name of Indian? Shahrukh Khan, Salman Khan, Hrithik Roshan. Three idiots Almeida. Salman. I like Karina Kapoor.
The one, Pretty Cinta, okay. Mia Khalifa. Mia Khalifa. Mia Khalifa? She's also an Indian. Mia Khalifa, she's not an Indian. We can say for Indian if you want. We can say you like what? Sunny Leone. Oh, Lira. Oh, Lira. Oh, नजरे ना मेरे तू मेरे हो मेरे तू के दुन्ना यू आर माय सोनिया के दुन्ना यू आर माय सोनिया अभी कम है चाहे यू मुस्कुराए तुमने न जाने क्या सपने दिखाए यू मुस्कुराए अब तो मेरा जागे न सोता है कुछ कुछ होता है कंपाय कंपाय थैंक ऑल द पीपल हु लव मी एंड सपोर्ट मी फ्रॉम द फिलीपींस ऑल ओवर द इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पीपल हु हेट अस टंग अनमा रात को 3:30 बज रहे हैं मैं यहां पे बैठ के दारू पी रहा हूं लोगों के साथ में बहुत रस्ते पर ब्रो दिस इज माय ब्रदर Yeah, man. Yeah, this is my brother. Yeah, thanks, man. Love you, man. Yeah, 3 times back in the Philippines because meet me. Yeah, I've came here. Yeah. That's right. Yeah. And congratulations to you. Yeah, we have one kid, one daughter and one son. Yeah, that's a good thing. Yeah, that's a favorite. Yeah, I'm so happy to that. Now when I went to India, I seen that on Facebook that you got a second baby. So yeah, so right. Yeah. You know, I'm lucky this friend. You know, while he leaving the Philippines, he buy chocolate for my daughter. Yeah. You have not seen his daughter. Yeah. So maybe tomorrow I'll record a video. 1,000 pesos he buy chocolate for my daughter. That doesn't matter the value. Because she's so cute. Yeah. She's nice. Yeah. I'm so happy for her. Nah. Because like, I'm like here, hi. Yeah. Yeah. तो आप देखोगे मतलब इनकी डॉटर बहुत क्यूट है जो मतलब कोई पहली मैंने मतलब ना कोई बच्चे को पहला बच्चा का देखा रहेगा जो ना खुद अपना चॉकलेट लाके मेरे को दिया था Patungo sa lugar kung saan tayo lang may alam Tara, tara, sumama ka sa akin at huwagan ang aking kapal So she is my subscriber. We met like talking a long time, and when I was in Philippines, I posted on Instagram and she messaged me. So we are meeting here finally. Nice to meet you. Same here. I'm so happy. I need to go somewhere else also. So we're gonna have a food Indian. So Jason has some question for me. Let's ask him. What is the question, Jason? For me. So what do you do apart from traveling and working in India? Okay. So he wants to know about the what I am working in India. So it's like I'm working for the multinational company. It's like as a senior process associate, I have like a import for the Canada, all the shipping which is coming to Toronto, Montreal, Vancouver. I need to update it, all the process. I need to handle the presentation and everything. Matlab? Matlab, mera lauda. Say bala.